आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। महान इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे का 100 साल की उम्र में आज सुबह 5:07 पर दुखद निधन हो गया। दिनांक 29 जुलाई 1922 को पुणे जिले के सासवड में जन्मे बाबा साहब पुरंदरे की पुस्तक राजा शिव छत्रपति बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने शिवाजी महाराज पर जनता राजा नामक एक नाटक भी लिखा था। बाबा साहब को महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की राशि उन्होंने उन लोगों को दे दी जिन्होंने इसे सामाजिक कार्यों के लिए काम किया था। बाबा साहब ने महाराष्ट्र के किलों और मराठों के इतिहास का अध्ययन किया। उनके निधन से शिवाजी महाराज को समझने वाले लोगों का एक युग समाप्त हुआ, ऐसा लोगों का कहना है, और सामाजिक और राजनीतिक परिसर में दुख की लहर फैली हुई है। पार्थशर समाचार की ओर से इस महान व्यक्तित्व को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जवाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक पुनः एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ति, 100% HSC रिजल्ट, 29 सक्सेसफुल रिजल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिजल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिजल्ट इन नीट अप टू 2020, विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, ऐडमिशन ओपन फॉर 11th, 12th IIT, JEE, नीट एंड MST CET। आजच आपली सीट नक्की करा। प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा। जनता करिअर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर, रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर। कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 7057071569। नागपुर में ओवरब्रिज और मेट्रो की काम की वजह से निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए समय समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं। आज HB टाउन से पारडी तक बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और विधायक कृष्णा खोपड़े स्थल तक पहुंचे। इस दौरान वहां पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और जनवरी तक कार्य समाप्त करके पूरा यातायात सुचारू करने की बात मेट्रो के संचालकों ने और विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस दौरान कही। पारडी ओवरब्रिज आणि मेट्रो याच्या ट्रॅफिकच्या जायजा घेण्याकरिता माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार या ठिकाणी आले होते। एक महिना पहिले त्यांनी आदेश काढले, त्याचं नोटिफिकेशन निघालं का या परिसरातून येणाऱ्या सगळ्या जे शहरामध्ये येणारे जड वाहन होते त्याच्यासाठी त्यांनी बंदी लावली होती आणि म्हणून ते इम्प्लिमेंट बरोबर झालं किंवा नाही झालं या संदर्भात त्यांनी आज निरीक्षण केलं। सगळे या ठिकाणी NHAI चे अधिकारी, मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते आणि मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं का डिसेंबरपर्यंत आमच्या मेट्रोचं काम पूर्ण कम्प्लीट या ठिकाणी होणार आहे आणि जानेवारीपर्यंत पारडी ओवरब्रिजचं काम कम्प्लीट होणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून हा सगळं निरीक्षण दौरा त्यांचा होता आणि निश्चित स्वरूपात कामात आता थोडी प्रगती झाली आहे, प्रगती पथावर काम सुरू आहे आणि आशा आहे का हे डिसेंबरपर्यंत मेट्रो आणि जनवरीपर्यंत पारडी ओवरब्रिज पूर्णपणे कम्प्लीट होईल। राजस्थान ग्लास, ब्रँड नेम इन ग्लास वर्क्स, विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ, उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूराटफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टिन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगिड़, 7387-44821, पुरनमल जांगिड़, 9689-099-957, राकेश जांगिड़, 9370-156878।
नितेश पटेल 8551004488। दिनांक 12 नवंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र के किसान सभा की ओर से आयोजित अस्थि कलश यात्रा जो कि लखीमपुर में हुए शहीदों की याद में निकाली गई है, इसका पूजन कार्यक्रम गांधी चौक में रखा गया। इस दौरान केंद्र के गृह राज्य मंत्री ने जिस तरह से 2 अक्टूबर को किसानों को धमकी दी थी और 3 अक्टूबर को उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को उड़ा दिया था, उसकी निंदा की गई। कार्यक्रम में शहीद किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र राज्य किसान नेता के सभी लोग शामिल हुए और इसका समापन 18 नवंबर को नागपुर में होने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रामू तिवारी, कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष चित्रा डांगे और पदाधिकारी उपस्थित थे। आयोजक गोपाल अमृतकर, संत मुलाई का आनंद वाटत आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये कांग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी रामूजी तिवारी जी जे शहराचे अध्यक्ष आहेत, कोकणाकडे महिला फ्रंटचे अध्यक्ष आहेत, आपल्या माजी महापौर चंद्रपूर शहराच्या प्रथम नागरिक राहिलेल्या संगीता आंबोलकर या इथे उपस्थित आहे आणि समस्त लोकही इथे उपस्थित आहे आणि म्हणून आपल्या सर्वांना नमस्कार करू मी आपल्यासोबत काही गोष्टी मांडणार आहे। दिसून आहे की लखीमपूरची घटना ही जी काही घडली 3 ऑक्टोबरला ही घटनेच्या पूर्वी 2 ऑक्टोबरला हा अजय निश्चला नावाचा जो गृहराज्यमंत्री आहे जो देशाचा गृहराज्यमंत्री आहे, मोदीने जेव्हा आपला मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला तर त्या विस्तारामध्ये याला गृहराज्यमंत्री पद दिलं। त्यांनी 2 तारखेला धमकी अशी दिली, ओ किसानो तुमने 3 तारीख को ऐलान किया है कि विरोध करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा अति गुंडों का है, मैंने कितनों को मारा, कितनों को काटा, मगर इस देश की जनता, लखीमपुर की जनता ने मेरे को 2009 का आमदार बनाया, 2014 को खासदार बनाया और 2019 में फिर खासदार बनाया और मोदी ने मेरे जैसे गुंडे को मंत्री बनाया गृहराज्यमंत्री, तो याद रख लो मेरा अति। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा ये बयान दिया गया था कि 1947 में भारत को आज़ादी नहीं भीख मिली थी और असली आज़ादी तो 2014 में अब मोदी जी प्रधानमंत्री जब बने तब मिली थी। उनके इस वक्तव्य का संपूर्ण देश में विरोध होकर निश्चित किया गया। वहीं मुंबई की NSUI ने उनके चित्र पर चेहरे पर शाही पोतकर, कालिक पोतकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका निषेध किया। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है केसा। केसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट, लेडीज जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में, खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799002232। जब से मोदी सरकार ने दिवाली भेंट के रूप में देश में पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं, तभी से गैर भाजपा शासित प्रदेशों में भाजपा के राज्य समिति के स्थानिक कार्यकर्ता आंदोलन में उतरे हैं। महाराष्ट्र में भी ये सिलसिला लगातार शुरू है और इसी कड़ी में नागपुर में पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बवनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और जिला अध्यक्ष गजबे के नेतृत्व में वैरायटी चौक पर आंदोलन किया गया, जहां पर राज्य सरकार को वेट कम करने के लिए जनता को राहत देने की बात बवनकुले ने कही। वहीं उन्होंने राज्य सरकार के जल्द निर्णय न लेने पर तेज आंदोलन का इशारा दिया और उन्होंने इस बढ़े हुए दाम में भ्रष्टाचार होने का भी इल्जाम लगाया। शरद पवार सरकार होश में आओ, सोनिया गांधी सरकार होश में आओ, हेलो नहीं चालू, महाविकास आघाड़ी सरकार सा निषेध बसो, महाविकास आघाड़ी सरकार सा निषेध बसो, या निषेध सभेला
या निषेध सभेचा समारोप करण्याकरता आपल्या सगळ्यांचे नेते माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे इथे उपस्थित झाले आहे. त्यांना मी विनंती करतो की या सभेला ते मार्गदर्शन करतो. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि नागपूर महानगराचे अध्यक्ष प्रवीण दटके, हॅलो, जिल्ह्याचे अध्यक्ष अरविंद गजबे यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व प्रदेश जिल्हा शहर पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये आज पेट्रोल डिझेलचे दर महाराष्ट्र सरकारने व्हॅट कमी करून कमी करावे याकरता संपूर्ण महाराष्ट्रभर भारतीय जनता पक्ष आज निदर्शने आंदोलन करताय. महाराष्ट्रातल्या सर्व शहरांमध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि एकीकडे नाना पटोले यांनी बैलगाडी मोर्चा काढला, केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे रेट कमी करावे मागणी केली. आज भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व राज्यांमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार